ऐसे सभी बच्चे सबको रहना है, स्वस्थ रहना है। आई एम फाइन बेटा। नाउ ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। अब सारे बच्चे अपना अपना माइक बंद कर लेंगे। साईराम ओके, अपना अपना माइक बंद कर लो सारे बच्चे। हमारा जो अभी गोल टेस्ट चल रहा है बच्चों का, अभी तो सुनाने वाला, वो हम अभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? प्लीज साईराम बच्चा, आप लोग अपने माइक बंद रखेंगे, क्योंकि जो बच्चा सुनाएगा उसको डिस्टर्ब होगा अगर आपका माइक खुला हुआ है, इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप लोग सब अपना माइक बंद रखेंगे, केवल जिसकी चांस आएगी वही बच्चा अपना माइक खोलेगा। ओके यस, तो अभी है मोहम्मद समर। यस मैम। ये माइक खुली हुई है एक दो बच्चों के, जब तक माइक खुली नहीं है आपके प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। अपने अपने माइक सारे बच्चे कर लेंगे बंद। मैम निकल नरवा दिया क्या, आया क्या? नहीं अभी आएगा बेटा, अभी सारे बच्चों की आएगी जिनकी नहीं हुई है, लेकिन पहले माइक बंद रखो आप अपने सारे बच्चे। मैंने नेम कॉल किया है मोहम्मद समर। मोहम्मद समर। यस मैम। हाँ केवल मोहम्मद समर अपना माइक ऑन रखेगा, बाकी का कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं रखेगा। यस मोहम्मद समर, आपको सुनाना है पगड़ी वाली कविता। यस मैम। यस मैम सुनाओ बेटा। यस मैम मैं बुक लेकर आ रहा हूँ। क्या क्या बोल रहे हो बेटा, याद नहीं है आपको? मैं बुक लेकर आ रहा हूँ। नहीं बुक से नहीं पढ़ना है, याद करके पढ़ना है बेटा, याद करके बोलना है। अगर आपने याद नहीं की है उसको बैठकर आप याद करो, उसके बाद में मैं आपसे बाद में क्लास होगी तो पूछूंगी, ठीक है? यस मैम पर मुझे याद नहीं। नहीं बुक से नहीं पढ़ना है। मेरी मेरी बारी कब आएगी? मुझे जो भी बारी जो भी बच्चे बोल रहे हैं मेरी बारी कब आएगी, जब उनका टर्न आएगा तभी आएगी, ठीक है बेटा? मैम माइक बंद करके रखने, आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो सारे बच्चों की पिक्चर्स मुझे नहीं दिख रही है अच्छे से यहाँ पर। मैम चार चलने वाली सुना तू? हाँ मैम चार चलने वाली चार नहीं, जो मैडम बोलेंगी वही सुनानी पड़ेगी आपको, याद करना है, ठीक है? अपना माइक बंद करो,
याद कर लो, जब बाद में क्लास होगी तो सुन लो, ठीक है? जिस बच्चे को मैं बोल रही हूँ वो सुन लो। इसके बाद है मोहम्मद, के बाद है कयांश जैन। मैम कयांश बेटा बोलो। आपकी सुनाना है कयांश चार चले। मेरा नाम कयांश जैन है। बाकी बच्चे उसको डिस्टर्ब हो गया दूसरे बच्चे को। पापा सोता तो चार चले चार में से एक करना कुत्ते को खिलाते तोते को खिलाते तो चाय चाहेगा तब चाय चाहेगा तो चूबा गया क्या कहा तो सबको चाय को मिलाते चाय में से एक करना कुत्ते घोड़े को खिलाते घोड़े को खिलाते तो चार में तो बड़ा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू बेटा। इसके बाद है मैम सुना मैम मेरी क्लास कब आएगी? मैंने बोला बोला कोई बच्चे बीच में नहीं बोलेंगे तो मेरी चांस कब आएगी? आएगी आपको वेट करना है अपनी चांस तो कभी के चांस आएंगे ठीक है। हाँ अब क्लास ली मैम अर्शिता का देखो एक बार सब बच्चों की हो चुकी है बार चल रहा है लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। इस बार मैंने नीचे से स्टार्ट किया है इसलिए कोई बच्चे में नहीं बोलेगा मेरी कब आएगी मेरी कब आएगी ठीक है। हाँ ओके अभी मैंने बोला है काश्मी को काश्मी सुनाएगी। मैम अर्शिता का माइक ऑन है बेटा माइक बंद कर लो नहीं तो डिस्टर्ब आ रहा है। केवल काश्मी खोलेगी अपना माइक। काश्मी आप हो क्या? काश्मी नहीं है शायद। चलिए जेनिका जेनिका यस मैम कायम बेटा हाँ जेनिका आपको सुनाना है पगड़ी वाली कविता। मेरी पगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी एक घमेल और रह गई पगड़ी हट्टी कट्टी मोटी पगड़ी मालकिन रगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी इतनी तर घमेल और पर गई पगड़ी। यस वेरी गुड। एक बच्चे का माइक खुला है ये बच्चा कौन है मुझे दिख नहीं रहा है। जिसका भी माइक खुला है प्लीज बंद करो गलत बात है ठीक है। तो उसके जो बच्चों ने माइक खोल के रखा है ना उस बच्चे की चांस नहीं आएगी। आज नेटवर्क इशू है तो आप स्क्रीन पर मुझे पूरी तरह से नहीं देख रहे हो दिक्कत हो रही है। तो आप लोग माइक खोल के रखोगे इसका मतलब ये तो नहीं है ना। और जो बच्चा बोल रहा है उसको कितना डिस्टर्ब हो रहा होगा और हमको भी पूरा क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है वो इसलिए माइक बंद रखो प्लीज बेटा। आप सब समझ गए हो ना सब चीजें? यस जेनिका थैंक यू बेटा। इसके बाद इशिता। थैंक यू मैम। वेलकम इशिता। साइरम बेटा आपको सुनाना है चार चुने। यस मैम। पैसा का
सोचा तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाइ टाइ गाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बैठाता, पीठ पर बैठाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते तो नाच टूट जाता, बात टूट जाता तो बड़ा मजा आता। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सीता, थैंक यू बेटा। इसके बाद है ग्रंथ साहू। थैंक यू मैम। ग्रंथ साहू, आपको सुनाना है पगड़ी। यस सर, मेरा नाम है ग्रंथ साहू, मैं कक्षा एक में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ पगड़ी। मेरी पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, छूट गया ना गया मैल, ना हो गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, माल केंद्र झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तड़ गया मैल, तर गई पगड़ी। सायरा मैम। यस, वेरी गुड सायरा, फिर भी एक बार और याद करना उसको, ठीक है ग्रंथ? यस मैम। ओके। यस, बाकी आपने अच्छा सुना है, लेकिन फिर भी आपको एक बार और याद करना है उसको। ओके, इसके बाद है गर्वेत। गर्वेत। यस मैम। सायरा बेटा। सायरा बेटा, ये दो बच्चों ने माइक क्यों खोला है? एक बच्चा और किसने बोला? सायरा, बीच में नहीं बोलना है बेटा, मैंने केवल गर्वित को बोला है। गर्वित अपना माइक खोलेगा और मैम को पगड़ी वाली कविता सुनाएगा। नेपाल को घूम जाए। मैं अभी मेरे नंबर लिया था। यस बेटा। मैंने गर्वित को बोला है बेटा, गर्वित। बोलो गर्वित, बोलो। बाकी बच्चे माइक बोल रहे को। हट्टी खट्टी मोटी तगड़ी, मार्किंग झगड़ी, तर गई नल और तर गई पगड़ी। यस गर्वित, वेरी गुड। इसके बाद है गर्व। सायरा मैम। सायरा मैम। सायरा गर्वित, सॉरी गर्व, आपको सुनाना है चार चने। हाँ, कौन सी मैम? चार चने वाली बेटा। चार चने। पैसा पास होता चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाइ टाइ गाता, टाइ टाइ गाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो
पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता, पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। एग्जाम साइरम साइरम बेटा वेरी गुड गर्ल, आज आपकी तरफ से आवाज भी बहुत अच्छे से क्लियर, पहली बार भी क्लियर आवाज आई है आपकी साइड से। यहाँ पर आज आप बैठी हो वही बैठा करो डेली, ठीक है बेटा। ओके, इसके बाद है गर्भ के बाद गरिमा। साइरम मैम, साइरम बेटा, गरिमा आपको पगड़ी वाली कविता सुनाना है, ठीक है। साइरम, मेरा नाम है गरिमा जैन, कक्षाएं में पढ़ती हूँ, मैली पगड़ी, मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, चढ़ गई पगड़ी, खट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, माइकल जगड़ी, इतनी जगड़ी, इतनी जगड़ी, इतनी जगड़ी, इतनी जगड़ी, चढ़ गया मैं, चढ़ गई पगड़ी। थैंक यू मैम। ओके वेरी गुड, थैंक यू बेटा गरिमा। मैम के बाद यस मैम, यस बेटा, फिर से बोलिए मैम। अभी आपने मेरा नंबर लिया था, आपका नाम बताओ। डेरी बांडल। नहीं अभी नहीं लिया आपका नाम, आपका नाम बोलूंगी तब आप बोलना, ठीक है। ओके, इसके बाद है युक्ता साई। युक्ता साई, साइरम बेटा, युक्ता साई, साइरम मैम। ओके युक्ता, आपको चार चने वाली कविता सुनाना है। ओके मैम। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना टूटे को खिलाते, टूटे को खिलाते तो खेलते वेरी गुड। चार में से एक चना को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूटता, दांत टूटता तो बड़ा मजा आता। थैंक यू मैम। वेरी गुड। ओके वेलकम, बहुत बढ़िया। इसके बाद है देवांशु जाटव। आपकी चांस आएगी, अभी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, सबकी आएगी। यस बेटा देवांशु। साइरम मैम, साइरम बेटा, हाँ देवांशु, आपको पगड़ी वाली कविता सुनाना है। कौन सी? पगड़ी, जिसका नाम है पगड़ी। ओके, मेरा नाम है देवांशु जाटव, मैं कक्षा एक का छात्र हूँ। मैं आपके सामने कविता सुनाने जा रहा हूँ, उसका नाम है पगड़ी। पगड़ी पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, मैं गई पगड़ी, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, तगड़ी इतनी तगड़ी, इतनी तगड़ी, इतनी तगड़ी, कर गया मैं, कर गई पगड़ी।
ओके वेरी गुड, एक बार फिर से और अच्छे से याद करना देवांशु, ठीक है मैम? देवांशु यस मैम, ये कौन बोल रहा है? हाँ कौन बच्चा है, नाम बताओ अपना। चिराग मीना। हाँ चिराग मीना, अभी आपकी चांस आएगी तब आप बोलना, ठीक है? यस ओके मैम। देवांशु के बाद में है अब भूमिका। भूमिका यस मैम। साईराम बेटा। साईराम मैम। हाँ साईराम, आपकी कविता का नाम है पगड़ी मैम। मेरा कविता का नाम है झगड़ी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैम। अभी तक मैं चाहती हूँ मोबाइल में जॉइन कर रही है, ठीक है ओके। अभिका यस मैम। साईराम बेटा आपको सुनाना है चार चने। मेरा नाम अभिका गुप्ता है, मैं कक्षा एक में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का नाम है चार चने। ऐसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो ताए ताए गाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, वेरी गुड अभिका, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। इसके बाद है आ रही यस मैम। साईराम बेटा। साईराम मैम। आ रही आपको सुनाना है, आपकी कविता का नाम है पगड़ी। मेरा नाम है आरही ठाकरे, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कविता, उसका नाम है पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, पगड़ी इतनी रगड़ी, रह गया मैं हिलना रही पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी कुबड़ी मालकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी, डर गया मैं डर गई पगड़ी। क्या लास्ट में? डर गई पगड़ी। हाँ क्लियर नहीं बोल रही हूँ आप लास्ट वाली लाइन को, डर गया नहीं है बेटा वो, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आपको पता लगेगा, मैं नहीं बताऊंगी अभी, तो आप उस लाइन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है? तर है वो, तर तारा तर, तो एक बार अच्छे से और याद कर लेना ओके। बाकी आपने बहुत अच्छी सुनाई ओके, थैंक यू बेटा। इसके बाद ओके यस साईराम मैम। साईराम कौन बच्चा बोल रहा है? मैं बस ये पूछ रही थी कि जैनिका है ना जो, आप मम्मी बोल रहे हो उसकी? हाँ उसकी मम्मा बोल रही हूँ मैं, तो उसी को बोलो बोलने के लिए, उसी को बोलिए, क्लास है ना ये, उसी को बोलने के लिए बोलिए आप।
बोलो जेनिका, बोलो क्या बोलना है, क्या पूछना है? मैं क्या बेटा? मैम क्लास लीव कर दें। मैम मेरी टर्गवाएगी। नहीं अभी नहीं करना, अभी क्लास शुरू है। अभी नहीं। उस दिन मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए मेरी टर्ग नहीं हो पाई थी। आप जल्दी करिए, मेरी मेरी कदम। ये कौन बोल रहा है जल्दी करिए? जो बच्चा ऐसे बोल रहा है ना, अच्छी बात नहीं है। अपनी चांस के लिए वेट करना है, सारे बच्चे वेट करते हैं। हाँ जेनी का कुछ बोलना है क्या बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं उसके। हाँ बोलो। संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा आपको नहीं आएगी बेटा, ठीक है? केवल संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, ये आएगा बस, और ये परिभाषा नहीं आएगी आपको, ठीक है? ओके मैम। ओके, आपको जो भी और प्रॉब्लम है ना, तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा? ओके यस। इसके बाद है अर्जुन। यस मैम। साइराम बेटा। साइराम मैम। यस अर्जुन, आप सुनाओ मुझे चार चने वाली कविता। मेरा नाम है अर्जुन सिन्हा। मैं आपको मेरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का नाम है चार चने। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते तो टाए टाए गाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तो दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। थैंक यू मैम। साइरा मैम। वेरी गुड साइरा, बहुत बढ़िया। अर्जुन, बहुत अच्छे से आपने आज कविता सुनाई। यस, इसके बाद है, अब मैं इधर से पूछूंगी, सेक्शन बी से निखिल। यस मैम। हाँ साइरम बेटा, निखिल आप सुनाओ पगड़ी वाली कविता। मेरी पगड़ी इतनी रगड़ी तर गया मैल ना तर गई पगड़ी। हट्टी हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी मलकिन झगड़ी इतनी झगड़ी तर गया मैल और तर गई पगड़ी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू निखिल। इसके बाद है नेत्रा। नेत्रा मैम, वो वॉशरूम में, ये 2 मिनट आप तब तक दूसरे बच्चे को पूछ लीजिए, वॉशरूम में है। ओके ओके ओके। नेत्रा के बाद है कनिष्का। मैम मेरा कनिष्का। मैम मेरा नहीं हुआ है। बीच में कोई बच्चा नहीं बोलेगा, मैं सबका करवा लूंगी, बाद में टिक करके रखा है मैंने सबका। यस मैम। कनिष्का अग्रवाल। यस मैम। साइराम बेटा। साइराम मैम। हाँ आपको सुनाना है चार चने।
मेरा नाम कनिष्का अग्रवाल है। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है चार चने। पैसा पास होता तो चार चने से चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाए टाए खाता, टाए टाए खाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बैठाता, पीठ पर बैठाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तो चूहे को चूहे को खिलाते तो बड़ा मजा आता। मैम वेरी गुड कनिष्का, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। हाँ नेत्रा आ गए क्या बेटा? ओके जीवेश, मैम जीवेश साइराम, साइराम बेटा हाँ आपको सुनाना है। आपकी कविता का नाम है पगड़ी। मेरा नाम जीवेश कश्यप है, मैं कसबी में पढ़ता हूँ। मेरे शीर्षक का नाम है पगड़ी। मैली पगड़ी कितनी रगड़ी, कितनी रगड़ी, कितनी रगड़ी, कितनी रगड़ी, मैल नारा गई पगड़ी। हल्की कट्टी मोटी तल्ली, हल्की झगड़ी, कितनी झगड़ी, कितनी झगड़ी, कितनी झगड़ी, कितनी झगड़ी, कर गया मैं, कर गई पगड़ी। थैंक यू मैम। वेलकम, वेरी गुड जीवेश, थैंक यू। उसके बाद कनिष्का नेत्रा आ गई बेटा। ओके हर्षिता चौहान। यस मैम। सायरा बेटा, हर्षिता आपकी कविता का नाम, आपकी कविता का नाम है चार चने। चार मैं यू मैम। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाए टाए खाता, टाए टाए खाता तो बड़े मजे, बड़े बड़ा मजा आता। बड़ा मजा। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। चार पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाते, दांत टूट जाते तो बड़ा मजा आता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद हर्षिता ओके बोलो, नंबर नेत्रा आ गई क्या बेटा? यस मैम। ओके नेत्रा आप सुनाइए, आपकी कविता का नाम है पगड़ी। मेरा नाम नेत्रा है, आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, ना रहे गई कट्टी मोटी टगड़ी, मालकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैं, तर गई पगड़ी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नेत्रा, लेकिन शुरू में एक जगह आपकी आवाज ब्रेक हुई थी, कोई बात नहीं,
चलिए इसके बाद है हर्षित दाऊ। यस मैम। हाँ हर्षित, आपकी कविता का नाम है चार चने। ब्रेक हो रही है आपके, अगर किसी बच्चे ने माइक खोला है तो प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। घोड़े को खिलाते घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। ऐसा पास होता तो चार चने लाते चार में से एक चना खाते तो खिलाते दब बिठाता बड़ा मजा आता। हैराम हैराम बेटा वेरी गुड। मैं मेरी डांस का भाई। क्या नाम है आपका? आराध्या बंद। आराध्या बंद अभी आएगी बाद में, ठीक है आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद है अब गीतिका। गीतिका गीतिका मीना साईराम बेटा धैर्य बंजल धैर्य बंजल बोलो। यस मैम। यस मैम। हाँ साईराम, दो बच्चे कैसे बोल रहे हैं? मैं साईराम मैम। साईराम धैर्य। यस मैम। हाँ धैर्य, आपको सुनाना है, आपकी कविता का नाम है पगड़ी। मेरा नाम धैर्य बंजल है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का नाम है पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी रह गया मैं ना रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी मलकिन झगड़ी इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी तर गई पगड़ी और तर गया मैं। सायरा मैम थैंक यू मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है? हमारा टाइम हो गया है, बचे हुए बच्चों का हम आप परसों करेंगे, ठीक है? बैडमिंटन मैम मैम ठीक है। हाँ विशाल बोलो बेटा। बेटा परसों आएगी आपकी क्लास, परसों बैडनेस देखो हमारी क्लास होगी ना तब आएगी। कल तो रिपब्लिक डे है तो आपकी क्लास नहीं होगी कल, है ना? ठीक है, जब तक आप लोग अच्छे से ओके नाल ऑफ जॉइनर है साईराम साईराम मैम।